हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जुम्मू किचन में बैंगन का भुर्ता बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बैंगन भून लिया है। ये आधा किलो बैंगन है, 500 ग्राम। तो इसको गैस पे ही भुना है मैंने, और कोई इंतज़ाम नहीं था भुनने का। तो भून के छील के चेक कर लिया मैंने, कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो चेक करके और रखा है मैंने भून के। और उसके लिए मैंने 2 टमाटर काट रखे हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ना छोटे ना बड़े। और 1 बड़े साइज़ का प्याज काटा है मैंने, अंडा कट काटा है, 3 जवा लहसुन बारीक काट लिया है, अदरक 1 टुकड़ा छोटा सा, आधा इंच से छोटा ही है ये, बारीक बारीक काट लिया है, 3 हरी मिर्च काटी है मैंने। तो इसको सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल है, इसको मैंने गर्म कर लिया है, उसमें ये प्याज डाल दिया मैंने। घी वगैरह में ये भुर्ता नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी ज़्यादातर 99% सब्जियां में सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। इसको थोड़ी देर चलाने के बाद फिर वो अदरक लहसुन हरी मिर्च डालूंगी और लाइट गोल्डन करूंगी। प्याज देखिए हल्का सा मतलब सॉफ्ट हो गया है, इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों चीज़ें डाल दी मैंने। हाँ, एक चीज़ और, लहसुन को आप जब बैंगन भूनते हैं तो बैंगन में चम्मच की डंडी से सुराख कर देते हैं, फिर भूनते हैं, बगैर सुराख के नहीं रखते। तो अगर आप चाहें तो उसी बैंगन में जो सुराख करते हैं उसी में लहसुन डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मैं ऐसे डाल दूँ तो वो भी भून जाता है साथ साथ। ये हो गया, देखिए किस कलर का हुआ है, गोल्डन हो गया। ये टमाटर डाल दिया मैंने, इसी में नमक डाल दिया जितनी ज़रूरत है टेस्ट के हिसाब से। मिर्च भी अपने जितना काटे हैं उस हिसाब से डालिए। मैंने ग्रीन भी डाली है और ये लाल जो किसी में रेड चिली है वो भी डाल दिया है, और थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल ऑप्शनल है डालना और डालना, मैं डालती हूँ। और हल्दी डालना चाहें हल्दी आप डाल दें, मैं हल्दी नहीं डाल दूँगी, पीला पीला मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं हल्दी डाल नहीं हूँ, और कोई मसाला नहीं डलेगा। इसी में धनिया डाल दिया मैंने थोड़ा सा, अब इसको टमाटर गल जाएगा फिर बैंगन डालूंगी मैं, 2 मिनट में गल जाएगा ये। अब ये बैंगन डाल दिया मैंने, उसी से इसको थोड़ी तोड़ दूंगी चम्मच से। भुर्ता प्लेन भी बनता है ये, इस साइड पंजाब साइड में इस तरह का बनाते हैं। अब बना के प्याज भी अपने हिसाब से ज़्यादा कम वो सब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बस ये 2 मिनट चला के बैंगन का भुर्ता रेडी हो जाएगा। बस ये हो गया है, रेडी हो गया ये हमारा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो निकाल के मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा बैंगन का भुर्ता रेडी हो गया है। प्याज अगर ज़्यादा डालना तो आप लोग और ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने हिसाब से सब कर लीजिएगा, सिर्फ तरीका यही है बनाने का। तो आप लोग बना के खाइए, अच्छा लगता है, पराठे के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, बना के खाएँ। और हो सकता है आप लोग बनाते भी हों, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते,
तो देख लीजिए आप लोग ये, और पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।